डॉक्टर सुमिता प्रभाकर जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, शुरुआत में वो नहीं थी। आपके पास भी डॉक्टर आएंगी, बट उससे पहले हमारे पास डॉक्टर सुमिता के लिए, यस डॉक्टर सुमिता के लिए क्वेश्चन है। हमारे एक व्यूअर जानना चाहते हैं कि वन ऑफ माय रिलेटिव हैज अ फाइब्रॉइड इन अ यूट्रस एंड शी हैजंट कंसीव्ड येट। Is there any chance she could conceive via IVF? मतलब अभी कोई chances हैं कि इस problem के बाद वो IVF से conceive कर पाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चेदानी की रसौली या फाइब्रॉइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ रसौली या बच्चेदानी में गांठ होने की वजह से ही उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी को बच्चेदानी में रसौली या फाइब्रॉइड की समस्या है तो वही उनके बांझपन का कारण है। अगर रसौली बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो उसका जो ज्यादा भाग है वो बच्चेदानी की कोख के अंदर है या फिर वो ट्यूब्स के रास्ते में आ रही है, तो ये वो ऐसे ऐसी रसौलियां हैं जो कि बांझपन का कारण बन सकती हैं। ऐसी रसौलियां जिनका साइज बड़ा है, 3-4 सेंटीमीटर से ऊपर का साइज है, ज्यादातर उन्हें आईवीएफ या ऐसी कोई भी प्रक्रिया करने से पहले निकालना पड़ता है। जो बहुत छोटी रसौलियां हैं, अगर उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो बच्चेदानी की कोख से दूर है और वो जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आईवीएफ के सक्सेस रेट में बच्चेदानी की कोख या जहां पे बच्चा रुकना है उसका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी एक अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो है उतनी ही अच्छी बच्चेदानी की कोख, एंडोमेट्रियम या लाइनिंग का भी होना जरूरी है। तो अगर रसौली की पोजीशन ऐसी है कि वो बच्चेदानी की कोख के अंदर है और वो इम्प्लांटेशन या जहाँ पे एम्ब्रियो चिपकना है उसके साथ इंटरफियर कर रही है, तो पहले उस फाइब्रॉइड को निकालना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आईवीएफ उन मरीजों के लिए है जिनमें की बच्चेदानी में रसौली है। रसौली की का ट्रीटमेंट अलग है। उन पेशेंट्स का आईवीएफ हो सकता है जिनकी बच्चेदानी में रसौली हो, बशर्ते रसौली का साइज और पोजीशन ऐसी ना हो कि वो इम्प्लांटेशन के साथ या भ्रूण के चिपकने के साथ इंटरफियर करेगा।